केंद्रीय बजट में आंध्र प्रदेश की अनदेखी करने पर लेफ्ट ने गुरुवार को एक दिन का बंद बुलाया है। सीपीआई, सीपीएम और दूसरे दलों की तरफ से बुलाए गए इस बंद को वाईएसआर कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दिया है। उधर विशाखापट्टनम में प्रदर्शनकारियों ने 1300 से ज्यादा बसों को रोक दिया। बंद को देखते हुए राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। लेफ्ट ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि बजट में आंध्र प्रदेश के लिए कोई विशेष पैकेज नहीं दिया गया है और उसकी नई राजधानी अमरावती के निर्माण, पोलावरम जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर भी सरकार ने बजट में कुछ नहीं दिया। उधर संसद के अंदर और बाहर भी बजट को लेकर टीडीपी समेत आंध्र प्रदेश की कई पार्टियां पिछले कुछ दिनों से प्रदर्शन कर रही हैं। गुरुवार को भी संसद के बाहर कई पार्टियों के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। ना दे।